हेलो गाइज, वेलकम बैक फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आप सबके स्वागत करते हो हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम टच सेंसर को आर्डिनो के साथ इंटरफेस करेंगे और एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बनाएंगे। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो लेट्स गो। सबसे पहले आपको चाहिए एक आर्डिनो, टच सेंसर, रिले मॉड्यूल और जम्पर वायर। बस आपको इतना ही कंपोनेंट चाहिए। अब चलिए इसका कनेक्शन करते हैं। इसका कनेक्शन बहुत ही सिंपल है। इसका सर्किट डायग्राम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इसे डाउनलोड कर लेना है और कनेक्शन कर लेना है। यहाँ पर हमारा कनेक्शन खत्म होता है। इसका सर्किट डायग्राम यहाँ पर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। आपको सिंपली इसी टाइप से कनेक्शन कर लेना है। उसके बाद हम अपना होल्डर को कनेक्ट कर लेंगे रिले मॉड्यूल के साथ। होल्डर की दो वायर में से एक वायर को हम डायरेक्टली रिले मॉड्यूल में कनेक्ट करेंगे। रिले मॉड्यूल के एक वायर और होल्डर के एक वायर को हम डायरेक्टली 220 वोल्ट पावर सप्लाई दे देंगे। अब हम आर्डिनो में कोड अपलोड करेंगे। तो हम अपना आर्डिनो को लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हैं। अब चलते हैं लैपटॉप के अंदर। हमने आर्डिनो के कोड को ऑलरेडी लिख के रखा है। हम सिंपली इसे कॉपी करेंगे और आर्डिनो आईडी में जाकर पेस्ट कर देंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और इसे डाउनलोड करके आर्डिनो आईडी में पेस्ट कर देना है। उसके बाद इसे अपलोड कर देना है। अब हम अपना जो होल्डर है उसमें 220 वोल्ट पावर सप्लाई ऐड करेंगे। ये हमारे पास एक प्लग है जिसमें 220 वोल्ट पावर सप्लाई है। हम इन दोनों वायर को इस प्लग के साथ कनेक्ट कर देते हैं और इस प्लग को अपने स्विच बोर्ड पे इंसर्ट कर देते हैं। अब हम एक 100 वाट की बल्ब को अपने होल्डर में लगा लेते हैं। तो चलिए अब हम इसे टेस्ट करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे ही हम अपना फिंगर को सेंसर के ऊपर टच कर रहे हैं तो हमारे जो बल्ब है वो ग्लो हो रहे हैं और फिंगर को सेंसर से हटाने पर बल्ब ऑफ हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो सेंसर है वो कितना परफेक्ट वर्क कर रहा है। ये हमें उतना ज्यादा यूजफुल नहीं लगता है, तो चलिए कुछ दूसरे तरीके से इसे ट्राई करते हैं। तो हम इसे कुछ इस तरीके से डिजाइन करना चाहते हैं। हम जैसे ही सेंसर को टच करें हमारा जो बल्ब है वो ग्लो हो जाए और दोबारा टच करने पर हमारा जो बल्ब है वो ऑफ हो जाए। तो उसके लिए आपको इसके सर्किट के अंदर चेंजेस नहीं करना है। हम जैसे इसके कोड को थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे। हम वापस कंप्यूटर के अंदर चलते हैं और इसके कोड को मॉडिफाई करते हैं। हमने इस कोड को भी पहले से ही लिख के रखा है। आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको सिंपली इसे डाउनलोड करना है और इसे कॉपी करके अपना आर्डिनो आईडी में पेस्ट कर देना है और इसे आर्डिनो में अपलोड कर देना है। ओके, अब आप यहाँ पर देख सकते हो हम जैसे ही सेंसर को टच कर रहे हैं हमारा बल्ब जो कि वो ऑन हो रहा है और दोबारा टच करने पर हमारा जो बल्ब है वो ऑफ हो रहा है। अब ये परफेक्ट है। इस तरह के सर्किट को हम अपने घर में यूज कर सकते हैं और अपने घर को स्मार्ट बना सकते हैं और भी काफ़ी तरह के प्रोजेक्ट में हम इसका यूज ले सकते हैं। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।